मामूली संजीदगी थी। सुल्तान एयरपोर्ट से बद्रिया हेलीकॉप्टर शुजाबाद पहुंचे। वजीर आजम ने वामी जलसे से स्टार्ट किया और 3:15 बजे वापस चिकलाला एयरबेस पहुंच गए। बिल्कुल एक मामूल का दिन था और वजीर आजम मुल्तान तशरीफ ले गए। मुल्तान से शुजाबाद की तकरीब में उनको शिरकत करनी थी। मामूल के मुताबिक वो वापस आए। सब कुछ ठीक चल रहा था। वाकिफ एयरपोर्ट से वजीर आजम हाउस रवाना हुए। सेक्रेटरी दिफा और मिलिट्री सेक्रेटरी को अपने साथ गाड़ी में बिठाया। 3:35 पर वजीर आजम हाउस पहुंच गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दिफा और मिलिट्री सेक्रेटरी को अपने चेंबर में ले गए और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ की रिटायरमेंट और लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन तैयार करने का हुक्म दिया। फिर नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए। खुद दीवान सदर जाकर सदर मुमकत तरफीक तारड़ से भी दस्तखत लिए। इसी दौरान लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट वजीर आजम हाउस पहुंच गए, जिनके यूनिफॉर्म पर आर्मी चीफ के बैजेस लगा दिए गए। सूरज गुरूब होने लगा। वजीर आजम ने अपने आईनी इख्तियार जो पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान के वजीर आजम को देता है, अपने आईनी इख्तियार के मुताबिक अगर कोई तब्दीली की तो उस तब्दीली को तस्लीम करना सबसे फर्ज है, लेकिन उसके खिलाफ मुखालफत की गई। अंधेरा छाने लगा। आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने अपने रिटायरमेंट के हवाले से मुल्क के वजीर आजम का हुक्म तस्लीम करने से इनकार कर दिया और 111 ब्रिगेड ने वजीर आजम हाउस को घेरे में ले लिया। सरकारी निगरानी और दीगर अहमदारों का कंट्रोल फौज ने संभाल लिया। मुल्क के वजीर आजम को हथकड़ी लगा दी गई। ये अगवा था सर, डिफरेंट है। एक वजीर आजम को अगवा किया गया शर्मनाक वाक्य। हेडक्वार्टर्स में रंगीन शीशों वाले कैमरों में कैद करने के बाद हुए। आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट द आर्म्ड फोर्सेस हैव मूव्ड इन एज अ लास्ट रिजॉर्ट टू प्रिवेंट एनी फर्दर डिस्टेबिलाइजेशन। और फिर उन्होंने 17 अक्टूबर को मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए साफ पार्टी एजेंडा पेश कर दिया। नंबर एक, कौमी अतमाद और मुराल की असर नौ तामीर। नंबर 7, फौरी और गैर जानबदार इख्तसाब। 12 मई 2000 को सुप्रीम कोर्ट के 12 रुकनी बेंच ने भी परवेज मुशर्रफ के इख्तदार पर कब्जे को जायज करार देते हुए आईन में तरामीम की इजाजत दे दी। फिर पार्लियामेंट ने सदर मुमकिन की हैसियत से मुशर्रफ के इकदाम को आईनी करार देते हुए उनकी मंजूरी भी दी। 12 अक्टूबर 1999 को इख्तदार पर कब्जे की ये कहानी 18 अगस्त 2008 को परवेज मुशर्रफ के इस्तीफे पर इख्तिताम पजीर हुई। दिन, महीने और साल बीत चुके। मंजर एक बार फिर बदल चुका है। म्यांमार की दोबारा मुल्क के वजीर आजम बन चुके और आईन को तोड़ने वाला आमिर अपने ही घर की जेल का कैदी है। चेयरमैन